हमारा टॉपिक है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो आज हम पढ़ेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के स्टेप्स के बारे में और प्रोसीजर के बारे में कि स्टेप्स क्या क्या होती हैं, कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है हमारा। सबसे पहले हम देखते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता क्या। तो हम वर्ड से पता चल रहा है कि रिकॉम्बिनेंट, री मतलब फिर से, कॉम्बिनेंट कॉम मतलब कि कंबाइन करना, दो डिफरेंट 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 ऑर्गेनिज्म से। जब हम इसमें इस टेक्नोलॉजी में हम दो ऑर्गेनिज्म से डीएनए को आइसोलेट करते हैं और उन्हें हम कट करते हैं। डीएनए को आइसोलेट करने के बाद हम कट करते हैं, एक एंजाइम होता है हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, उससे हम दोनों डीएनए को कट करते हैं और फिर उनको हम जोड़ते हैं लाइगेज एंजाइम से जोड़ते हैं उसको, जो हमारा जो नया डीएनए बना जोड़ के दोनों डीएनए को, उसको हम आरडीएनए बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। और फिर हम उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस कराते हैं ताकि हमारा जो नया जेनेटिक कॉम्बिनेशन वो बना सके, जो कि साइंस, मेडिकल, एग्रीकल्चर में बहुत बेनिफिशियल होता है, इंडस्ट्रीज़ में। तो ये होता है हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी प्रोसीजर बाई विच डीएनए फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज कैन बी आइसोलेटेड, कट एंड स्प्लाइस्ड टुगेदर न्यू रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स आर देन मल्टीप्लाइड इन क्वांटिटी इन पॉपुलेशन ऑफ रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स। तो हम इसमें यही बताया गया है कि हम डिफरेंट स्पीसीज से जो है डीएनए को आइसोलेट करेंगे और उसको कट करेंगे और उन दोनों को जोड़ेंगे साथ में, तो हमारा वो रिकॉम्बिनेंट बन जाएगा। और उस जो रिकॉम्बिनेंट हमारा डीएनए बन गया उसको हम ऐसे होस्ट सेल में जो कि जल्दी रैपिडली डिवाइड करता हो, ऐसे होस्ट सेल में हम उसे इंट्रोड्यूस कराएंगे ताकि हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो उसकी मल्टीप्लिकेशन जल्दी हो सके, हमें नंबर ऑफ कॉपीज मिल सकें। तो ऐसा हो जो कि वो हो गया एग्जांपल होस्ट सेल का, हो गया बैक्टीरिया, ईस्ट। तो ये हो गया हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को सबसे पहले पॉल बर्ग ने 1972 में जनरेट किया था, इसे पॉल बर्ग ने। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। तो सबसे पहला स्टेप है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। सबसे पहले हम जो भी हमारा डिफरेंट जो हमारा टारगेट ऑर्गेनिज्म है या जिस ऑर्गेनिज्म्स को हमको वहाँ से डीएनए आइसोलेट करना है, तो वो ऑर्गेनिज्म हमारे पास आ गए। अब उस ऑर्गेनिज्म से हम डीएनए को आइसोलेट करेंगे। और सेकेंड है हमारा कटिंग ऑफ टारगेट डीएनए, जो हमने हमारे पास जो डीएनए आ गया, अब उस डीएनए को हम कट करेंगे स्मॉल फ्रैगमेंट्स में। टारगेट डीएनए को हमने कट कर लिया और क्लोनिंग वेक्टर को भी। क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। क्लोनिंग वेक्टर वो होता है कि जो हमारे डीएनए को, जो हमारा टारगेट डीएनए है उसको कैरी करता है और उसमें हम जब इंसर्ट करा देते हैं अपने टारगेट डीएनए को क्लोनिंग वेक्टर में, तो फिर जो वेक्टर होता है हमारा वो हो जाता है हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि उसमें हमारा डीएनए, टारगेट डीएनए जो है वो इंसर्ट हो गया है। उसके बाद उस वेक्टर को हम रिकॉम्बिनेंट जो वेक्टर है उसे हम इंट्रोड्यूस कराते हैं होस्ट सेल में मल्टीप्लाई होने के लिए। तो ये हो गया कि हम डीएनए को और वेक्टर को, उसको दोनों को ही हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हम उसे कट करेंगे। फिर थर्ड है हमारा जॉइनिंग ऑफ डीएनए एंड क्लोनिंग वेक्टर बाय एली, एली मतलब कि लाइगेज एंजाइम से। तो हमारा जो डीएनए है, हमने पहले वेक्टर और डीएनए को तो कट कर लिया, अब हम उसके बाद डीएनए और वेक्टर को दोनों को जोड़ेंगे, जॉइन करेंगे लाइगेज एंजाइम से। फिर फोर्थ है हमारा इंसर्शन ऑफ आरडीएनए इनटू होस्ट सेल। हमारा जो हमने जॉइन कर लिया, तो हमारा क्लोनिंग वेक्टर को हमने, जो हमारा टारगेट डीएनए था उसको क्लोनिंग वेक्टर में हम इंसर्ट करा दिए, तो हमारा बन गया वो आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया तो अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम होस्ट सेल में इंसर्ट करेंगे ताकि हमारा जो आरडीएनए है उसका मल्टीप्लिकेशन जल्दी हो सके। तो हम उसे होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करा दिए। फिफ्थ है एम्प्लीफाइंग ऑफ डीएनए। जैसे जैसे हमारा होस्ट सेल डिवाइड होगा, होस्ट सेल के साथ साथ हमने, क्योंकि होस्ट सेल में अपना आर डी एन ए डाल दिया, इंसर्ट करा दिया, तो जैसे जैसे होस्ट सेल डिवाइड होगा उसके साथ साथ हमारा
हाँ, आरडीएनए भी डिवाइड होगा, तो नंबर ऑफ जितने नंबर ऑफ कॉपीज होस्ट सेल के बनेंगे उसके साथ साथ हमारा जो आरडीएनए है उसके भी उतने ही नंबर ऑफ कॉपीज बनेंगे। फिर हमारा सिक्स, लाइसिस ऑफ होस्ट सेल एंड सेपरेट आरडीएनए। तो जब हमारा जो हमारा डीएनए जो है आरडीएनए जब एम्पलीफाई हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, जो हमारा होस्ट सेल है उसे लाइसिस करेंगे, उसका उसके सेल वॉल को या सेल मेम्ब्रेन को हम डीजनरेट करेंगे। सेल मेम्ब्रेन को डीजनरेट करने के बाद उसको डिग्रेडेट कर देंगे और उसमें से हम आरडीएनए को हम सेपरेट कर लेंगे। तो अब हम देखेंगे इस चार्ट में, तो ये हमारा वेक्टर है और ये हमारा डीएनए है जो जिसको कि हमने ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट किया है, हमने ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट कर लिया है। और जो हमारा ब्लू कलर में दिख रहा है वो हमारा टारगेट डीएनए है, उसी की हमें एम्पलीफिकेशन कराना है, उसी डीएनए का हमको कॉपीज चाहिए। तो जो हमारे आर डीएनए है और जो हमारा वेक्टर है उनको दोनों को हम क्या करेंगे, सेम रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है जिसको कि हम मॉलिकुलर सीजर बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस जो होता है वो डीएनए को एक स्पेसिफिक साइट पे जाके कट करता है, और जो हमारा वेक्टर है उसको भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उसी सिक्वेंस में स्पेसिफिक साइट पे जाके कट करेगा। तो हमारा टारगेट जीन जो है वो भी कट हो गया और हमारा जो वेक्टर है वो भी कट हो गया। तो हमारा जब कट हो गया है दोनों चीज़, तो अब हम जो वेक्टर है और हमारा टारगेट जीन है उन दोनों को हम लाइगेट कराएंगे, मतलब कि लाइगेज एंजाइम से ज्वाइन कराएंगे। तब दोनों हमारा ज्वाइन हो गया हमारा जो, तो ज्वाइन होकर हमारा क्या बना, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। तो हमारा टारगेट जीन था, टारगेट डीएनए जो था जिसको एम्पलीफाई कराना था वो था हमारा ब्लू कलर वाला, तो उस वो हो गया हमारा रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। अब हमारे पास आ गया कि जो वेक्टर है उसमें हमारा टारगेट जीन प्रेजेंट है, हमने उसको इंसर्ट करा दिया अपना टारगेट जीन। अब हम जो हमारा वेक्टर जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है अब हम उसे क्या करेंगे, होस्ट सेल में, ऐसा होस्ट सेल जो कि बहुत जल्दी रैपिडली डिवाइड हो, मल्टीप्लाई होते जैसे कि बैक्टीरिया इस, तो हम उसमें ट्रांसफॉर्म कराएंगे। तो ये हो गया हमारा कि हमने अपना जो वेक्टर है आरडीएनए जिसमें कंटेन है टारगेट जीन जो कि जिसमें कंटेनिंग टारगेट जीन कंटेनिंग वेक्टर जो है उसको हमने होस्ट सेल में ट्रांसफॉर्म कर दिया। होस्ट सेल जैसे जैसे ही मल्टीप्लाई करेगा वैसे वैसे हमारा जो है आरडीएनए भी मल्टीप्लाई कर, जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं जैसे जैसे होस्ट सेल हमारा मल्टीप्लाई कर रहा है वैसे वैसे हमारा आरडीएनए भी मल्टीप्लाई कर रहा है। तो यहाँ ये हमारा जो हमारा टारगेट डीएनए था, टारगेट जो जीन था उसके हमें नंबर्स ऑफ कॉपीज मिल गए, बहुत सारे नंबर ऑफ कॉपीज मिल गए। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा होस्ट सेल है उसका हम लाइसिस कर देंगे, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे और उससे हम अपने टारगेट जो हमारा जीन था या आरडीएनए था उसको हम आइसोलेट कर लेंगे। तो आज ये था आज का हमारा टॉपिक, आरडीएनए टेक्नोलॉजी के प्रोसीजर्स या स्टेप्स। थैंक यू।